आज मैं बात करूंगा कि हम हैवी प्रोडक्ट कैसे शिप करें अमेज़ॉन पे। जनरली अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि आप अगर सेलर हो, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो ईजी शिप के थ्रू आप शिप कर सकते हो या फिर सेल्फ शिप के थ्रू। ये सबको पता होगा, जो पुराने सेलर होंगे, नए सेलर्स को एक बार को ये बात नहीं पता होगी। तो अमेज़ॉन के पास सारे ऑप्शन है, ईजी शिप के थ्रू करना चाहते हो या फिर आप सेल्फ शिप के थ्रू, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ईजी शिप ले रखी है तो आप बड़े प्रोडक्ट कौन से हुए, जैसे फर्नीचर ले लीजिए, बेड होता है फर्नीचर, वो चेयर, इस टाइप के बड़े प्रोडक्ट होते हैं। मेनली फर्नीचर की बात करूँ तो वो कैसे शिप करेंगे आप ईजी शिप में, यहाँ पे दो क्राइटेरिया है उनके। सबसे पहला ये है कि वो 18 kg तक पिकअप उठाते हैं सेलर के यहाँ से। अब मैंने तो ईजी शिप ले रखी है, मैं किसी प्राइवेट सेलर को तो, मतलब प्राइवेट कोरियर को तो जानता नहीं, तो मैं अपने प्रोडक्ट कैसे शिप करूँ अगर मेरे पास ऑर्डर 18 kg से ऊपर आ गया। तो उनका कहना यह है कि जिन्होंने ईजी शिप भी ले रखी है और ऑर्डर अगर आपके पास इतना आ गया, मतलब 18 kg से ऊपर आ गया, तो वो पिक नहीं करेंगे, वो आपको सेल्फ शिप भेजनी होगा। तो अमेज़ॉन का ईजी शिप के थ्रू जो सेलर ऐसे प्रोडक्ट भेजते हैं, तो 18 kg से ऊपर उन्हें ऐसे प्रोडक्ट भेजने पड़ेंगे सेल्फ शिप के थ्रू, या फिर 18 kg होना चाहिए। सेकंड सिनेरियो ये है इसका, या फिर 70x70x45 cm डायमेंशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अगर ये दोनों सिनेरियो आप के अंदर में है तो आपका ईजी शिप के थ्रू शिप हो जाएंगे प्रोडक्ट, फर्नीचर के जो भी प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं। और अगर ये सिनेरियो में आप नहीं फॉल कर रहे हैं, और तो फिर आपको सेल्फ शिप के थ्रू शिप करना है, तो ईजी शिप में ये इशू आता है। तो अब इन प्रोडक्ट को हम कैसे शिप करें, अगर हम सेल्फ शिप कर रहे हैं तो बात ही अलग है, तब तो हमें शिप ही अपने आप करना है। कोई से भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो 100 ग्राम हो, फिर वो 30 kg 40 kg हो, तो वो तो हमें शिप ही अपने आप करना है। सेल्फ शिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ईजी शिप की बात कर रहा हूँ। जिन सेलर ने ईजी शिप ले रखा है तो उनके साथ भी दिक्कत आती है कि वो शिप कैसे करें। देखिए यहाँ पे सिंपल है, जो भी होता है ये डिसमेंटल करके हम प्रोडक्ट भेजते हैं। जैसे चेयर हो गया, तो चेयर को, ऑफिस चेयर हो गया, तो ऑफिस चेयर को हम एक 3 पार्ट में जुड़ा हुआ होता है, शॉकर लगे हुए होते हैं उसके पीछे, फिर व्हील लगे हुए होते हैं, उनको तीनों पार्ट को अलग करके एक बॉक्स बना के और तब हम भेजेंगे। अब वो चेयर कितने, चेयर ऑलमोस्ट 3 kg 5 kg तक होती है, और अगर वैसे आप देखेंगे उसको प्रॉपर उसमें फॉर्म में उसकी, तो उसका वॉल्यूम एंट्रिक जो है वो उससे हायर हो जाता है, मतलब उनके ईजी शिप के अंडर नहीं आती है वो शिपिंग। तो उनको आप इस तरीके से भेज सकते हैं, उसको डिसमेंटल करके आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं। सेम बेड में भी है, अगर आप बेड शिप कर रहे हैं फर्नीचर में, फर्नीचर कैटेगरी में आता है बेड, तो उसको भी आप डिसमेंटल करके पार्ट्स में भेजेंगे तब वो शिप हो जाएगा।